गुरुकुल में बहुत से छात्र रहते हैं। उन्हीं छात्रों में दो मित्र रहते हैं, विक्रम और वीरप्पन। उन दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। वे दोनों साथ साथ अध्ययन करते हैं और शस्त्र चलाते, लेकिन विक्रम तीतूरगढ़ का राजकुमार था और वीरप्पन एक कुम्हार का पुत्र था। एक दिन वह दोनों बात कर रहे होते हैं। मित्र, अब हमारी शिक्षा समाप्त होने वाली है। अब हम अपने अपने रास्ते चले जाएंगे और तुम अपने राज्य का नए राजकुमार बन जाओगे। हाँ मित्र वीरप्पन, हमारी शिक्षा समाप्त होने के बाद पिताजी मुझे राज्य का राजकुमार बना देंगे। वैसे इसके बाद तुम क्या करोगे? मित्र, मैं तो एक मामूली सा कुम्हार का लड़का हूँ। मैं तो अपने पुरखों द्वारा चल रहे कार्यों को करूँगा। ये क्या वीरप्पन, तुम तो शास्त्रों एवं हथियारों में निपुण हो, फिर भी तुम वही काम करोगे? तो मैं क्या करूं यार, मेरे पास और कोई चारा नहीं है अपने माता पिता का हाथ बटाने के अलावा, क्योंकि वे अब बूढ़े हो गए हैं, तो अब मुझे ही घर संभालना होगा। ठीक है वीरप्पन, अब हम इसमें क्या ही कर सकते हैं, सब नियति का खेल है। सभी को अपने अपने कर्तव्यों को पूरा करना होता है। ऐसे ही वे बात करते हैं। फिर कुछ दिनों बाद वे लोग गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके अपने अपने घर चले जाते हैं। विक्रम जब राज्य में पहुंचता है तो उनके पिताजी उन्हें राज्य के नए राजकुमार बना देते हैं। पुत्र, अब तुम इस राज्य के नए राजा हो। अब तुम अपनी बुद्धि और कौशल से अपनी प्रजा का सहायता करना। पिताजी, मैं अपनी बुद्धि और कौशल से अपनी प्रजा का सुरक्षा करूंगा। अब आप निश्चिंत हो जाइए। ऐसे ही विक्रम अपने राज्य में राज कर रहा होता है। उधर वीरप्पन अपने बूढ़े माता पिता का सेवा कर रहा होता है। बेटा वीरप्पन, तुम खाना खा लो, बहुत देर से तुम काम कर रहे हो। हाँ पिताजी, बस थोड़ा सा काम बचा है, उसके बाद खाना खा लूंगा। फिर वीरप्पन जल्दी से अपना काम खत्म करता है और मिट्टी के बर्तनों को बेचने के लिए बाजार जाता है। ले लो भाई, मिट्टी के बर्तन ले लो भैया, बड़ी मजबूत बर्तन है, इसमें अगर पानी रखोगे तो बहुत ही ठंडी होगी। अरे वीरप्पन, ये मिट्टी का बर्तन कैसे दिए? बस 2 सिक्के गोपाल काका, आप ले जाइए, आप इसमें दूध दही रखोगे तो ठंडी रहेगी। तो ठीक है, तुम मुझे 2 मटकी दे दो। ऐसे ही वीरप्पन अपनी बर्तनों को बेचकर घर जाता है। उन लोगों का जीवन ऐसे ही अच्छा चल रहा था। उधर अचानक एक दिन विक्रम को अपने गुप्तचर से सूचना मिलती है। प्रणाम महाराज, हमें यह सूचना मिली है कि हमारे राज्य में जो चोरी हो रही है उसमें हमारे महल के निजी ही उसमें शामिल हैं। क्या, जो चोरी हमारे महल में हो रही है उसमें हमारे निजी लोग ही शामिल हैं? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है, यह खबर तो पक्की है ना? हाँ महाराज, यह खबर पक्की है। तो ठीक है, तुम अभी जाओ, हम सोच विचार कर तुम्हें बुलाते हैं। पिताजी, हमारे गुप्तचर से पता चला है कि चोरी में हमारे महल के लोग भी शामिल हैं। पुत्र, अगर हमारे महल के लोग ही गद्दार हैं तो अब हम किस पर भरोसा करेंगे? अब तुम ही कुछ करो। पिताजी, मेरा एक मित्र है वीरप्पन, वह बहुत ही बुद्धिमान व शक्तिशाली है, अगर आप कहें तो हम उसकी मदद ले सकते हैं। ठीक है विक्रम, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम कर लो। फिर विक्रम अपने गुप्तचर से कहकर वीरप्पन को बुलाता है। फिर वीरप्पन महल में आ जाता है और विक्रम उसे सारी बात बताता है। फिर वीरप्पन महल में चारों ओर घूमता है
और हर एक व्यक्ति को अच्छे से परखता है और राज्यसभा में कहता है, महाराज मुझे चोर का पता चल गया है। क्या तुम्हें इतनी जल्दी चोर का पता चल गया? बताओ वीरप्पन, वह गद्दार कौन है? महाराज, वह चोर आपका सेनापति और मंत्री है। नहीं महाराज, हमने चोरी नहीं की है, ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। आप शांत रहिए मंत्री जी। वीरप्पन, क्या तुम्हारे पास सबूत है कि ये लोग चोर हैं? हाँ महाराज, मैं रात में जब महल में घूम रहा था तभी मैंने उन दोनों को आपस में बात करते सुना। क्या सेनापति, तुमने इनके दूध में नशीली दवाई मिला दी है ना? हाँ मंत्री जी, मैंने उनके दूध में नशीली दवाई मिला दी है। जब वे पीकर बेहोश हो जाएंगे तो हम बाकी गहनों और स्वर्ण मोहरों को चुरा लेंगे। महाराज, मैंने जब ये सब सुना तो मैंने सैनिकों को कहा कि तुम लोग नशीली दवाई मत पीना और बेहोश होने का नाटक करना, और जब सेनापति इस खजाना चुराने आया तो हमने उसे पकड़ लिया। सैनिकों, सेनापति को लाओ। फिर सैनिक सेनापति को लाता है और महाराज के क्रोधित होने पर वह मंत्री और अपनी योजना के बारे में बता देता है कि कैसे उन्होंने चोरी किया। सैनिकों, इन दोनों को कारावास में डाल दो, और वीरप्पन, हम आपके इस बुद्धिमानी और साहस से प्रसन्न होकर तुम्हें राज्य का नया मंत्री बनाते हैं।